हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ सेक्शन में चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने ट्रेन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया। तो जो हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा उसमें, वो था कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या वस्तु को पार करे, जिसमें देखा हम लोगों ने कि कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभे को पार करे, ठीक है, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करे, ये सब स्थिर थे और ट्रेन इसको पार कर रही थी। आज हम लोग जो चलने वाले हैं वो टाइप टू पे चलेंगे। और टाइप टू क्या है दोस्तों? जब कोई ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति या वस्तु को पार करे, यानी कि इस बार ट्रेन भी चल रही होगी और वो जिस व्यक्ति या वस्तु को पार करेगी वो भी गति कर रही होगी, दोनों गति कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे आपको दो बात याद रखनी है। बात नंबर एक कि इस चैप्टर में आपने पहली क्लास में देखा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होगी। दूसरी बात आपने देखी कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी उस ट्रेन की, यानी पहले वाले ट्रेन और दूसरे वाली ट्रेन दोनों की लेंथ के बराबर हो जाती है। ये दो चीजें आपने देखा। और तीसरी चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में यदि दो गतिशील वस्तुएं हैं वो दोनों एक ही दिशा में चलें तो उनकी सापेक्ष चाल जो होती है वो उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। और अगर वे विपरीत दिशा में चले, यानी एक इधर से आ रही है तो एक इधर से जा रही है, तो ये हो गया जब समान दिशा में चले, किसमें समान दिशा में सापेक्ष चाल हो जाएगी। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? ठीक है, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, तो वो क्या हो जाएगी? दोनों की चालों के योग के बराबर। ये दो चीजें जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इस बात को एक क्वेश्चन के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वो कितने समय में पार कर लेगी? चलिए भैया देखिए, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 270 मीटर की है और ये इस दिशा में जा रही है। किस चाल से जा रही है? ये जा रही है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और इसके विपरीत यहां से एक आदमी है जो इसके विपरीत आ रहा है। इसके विपरीत किस चाल से आ रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये आ रहा है, ठीक है, विपरीत। तो पूछा है कि ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए, पहली बात कि ये ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 270 मीटर की हो जाएगी और इनकी सापेक्ष चाल जो होगी, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? इनकी चाल के योग के बराबर, यानी 25 × 2 = 27 किलोमीटर पर घंटे के बराबर हो जाएगी। बताइए, अरे बोल दीजिए, ठीक है, दूरी बराबर, चाल गुणे समय, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो चली गई दूरी इसकी खुद की लंबाई, यानी 270 मीटर हो जाएगा दूरी। किस चाल से चल रही है? 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कितना समय लगा? देखिए,
यहां पे मीटर दिया हुआ है और यहां पे किलोमीटर है, यानी हमें यूनिट को बराबर करना पड़ेगा। तो चाल को हम किस में कर दें, मीटर पर सेकंड में बदल लें। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भैया, छोटे नंबर से गुणा करेंगे। छोटे नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 5/18 से। बताइए कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 270 और गुणे 2/3 = 15, ये हो जाएगा समय। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 × 1 = 15, ये 1 आ जाएगा और 12 बच जाएगा, तो 15 × 8 = 120, ठीक है। और 18 × 2 = 36 सेकेंड लग जाएगा, यानी कि जो समय लगने वाला है वो 36 सेकेंड का लगने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिए भैया देखिए, जो ट्रेन है वो किस चाल से चल रही है, ये मान लीजिए ट्रेन है, तो ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसी के समांतर आदमी भी चल रहा है, इसी के समांतर आदमी भी चल रहा है, वो चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये ट्रेन इस आदमी को 48 सेकंड में पार कर जा रही है, तो बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो बताइए, आपने देखा कि ट्रेन यदि व्यक्ति को पार कर रही है तो चली गई दूरी इसकी खुद की लंबाई के बराबर होगी, यानी यही दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी क्या हो जाएगी भैया, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड। देखिए दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो इनकी सापेक्ष चाल कैसे पता चलेगी, दोनों की चालों का अंतर 40 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटे, और कितने समय में पार कर रही है, 48 सेकंड में, कितने 48 सेकंड में। अब आप बताओ ये किलोमीटर पर घंटा है और ये सेकंड है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटी यूनिट में ले जाना है, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। बताइए, 3 से कर देते हैं, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 8, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगी 25/8 = 200 मीटर की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया, 200 मीटर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करिए। चलिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी कितनी है, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है इसलिए चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई के बराबर होगी, जो कि 100 मीटर है। चाल, चाल हमें कैसे पता चलेगा, विपरीत दिशा में दोनों गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चालों का योग हो जाएगा। तो हमने मान लिया ट्रेन की चाल जो है वो एक्स है और व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चल रहा है, कितना समय लग रहा है उसको, 7/1/5, बताइए 7/1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 36/5 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये चाल तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी हमें, इसका मतलब 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 18 × 2 = 36, इससे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 50 के, यानी कि x बराबर 50 में से ये 5 जब जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 45, यानी कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड 45 किलोमीटर/आवर की हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर/आवर की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था कि ट्रेन जब किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे,
अब क्या होगा कि अब हम लोग देखने चल रहे हैं जब ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करे, एक ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करे, तो सापेक्ष चाल तो आपने देखा, यदि दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल उनकी चालों के अंतर के बराबर हो जाएगा। यदि विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, उनकी चालों के योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो उनके द्वारा या तेज चलने वाली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाइयों के योग के बराबर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करो। चलिए भैया देखिए, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर है और ये किस चाल से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी ओर से यानी विपरीत दिशा में एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है और ये किसी चाल से आ रही है, इसकी चाल हमें पता नहीं है तो हम इसको एक्स कह लेते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेन जो है कोई जो तेज चलने वाली ट्रेन होगी, चाहे कह लें चाहे ये धीरे चलने वाली, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं तो टी बराबर 6 सेकंड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दूसरी ट्रेन की चाल बतानी है। बताइए, चली गई दूरी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो चली गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी 100 प्लस 120 220 मीटर हो जाएगा, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल जानने के लिए उनकी चालों का योग हो जाएगा, यानी x प्लस 50 के। बताइए, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर, तुरंत ही हम क्या कर दें, 5/18 से गुणा कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और कितने सेकंड में पार किया, 6 सेकंड में। बताइए, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहां पे 3 आ जाएगा, 5 से अगर इसको कैंसिल कर दो तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 बराबर एक्स प्लस 50 हो जाएगा। ये 50 आके इधर से हट जाएगा तो आप समझो 100 में से अगर 50 हटा दो तो 50 बचेगा, और 50 में 32 जोड़ दो यानी कि हो जाएगा आपका 82। तो एक्स जो आया वो 82 आया, इसका मतलब जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी चाल 82 किलोमीटर पर आवर की है, उसकी चाल 82 किलोमीटर पर आवर की है। चलिए और एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। चलिए देखिए भैया, एक ट्रेन है उसकी लंबाई 180 मीटर की है और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई 220 मीटर की है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं और उनकी चाल क्रमशः 40 व 50 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर व 50 किलोमीटर पर आवर। पूछा है ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो चली गई दूरी दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। देखिए, 200 और एक 300 हो जाएगा और 80 भी 100 यानी कि 400 मीटर हो गया। बताइए, 400 मीटर तो चली गई दूरी होगी, सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर दें, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, लेकिन हमें इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी 5/18 कर देते हैं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और हमें बताना है कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, 18 × 5 = 90। बताइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 आप देख सकते हैं, 25 × 1 = 25 और ये बन जाएगा आपका 15 और 25 × 150, यानी कि 15, यहां से देखो ये मीटर से मीटर कैंसिल और ये सेकंड आ जाएगा, यानी कि 15 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर जाएंगी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न जो है,
एक समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए भैया क्या है, दो समान लंबाई की ट्रेनें, यानी कि दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। यानी अगर ये L1 है तो ये भी L1 है, चाहे L ही मान लीजिए, ठीक है। ये जो है वो किस चाल से चल रही है, 46 की 46 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है दोनों, अब इसमें कोई एक तेज चल रही है, 46 वाली ही तेज चल रही होगी, यानी कि तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो धीरे चलने वाली ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां बताइए, तो बताइए चली गई दूरी क्या होगी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो चली गई दूरी इनकी लंबाई के योग के बराबर, यानी एल प्लस एल 2L हो जाएगी चली गई दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां पे चाल कैसी लेंगे, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब सापेक्ष चाल जानने के लिए इनका अंतर ले लेंगे, आ जाएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ठीक, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कितने समय में पार कर रही है, 36 सेकंड में। बोलिए तो ये हो जाएगा 18 दुना 36, यानी 5 दुना 10 और गुणे 10, ये हो जाएगा 100। तो 2L बराबर 100 मीटर के, तो L बराबर 50 मीटर के, यानी कि जो ट्रेनें हैं उनकी लंबाइयां कितनी है, 50 मीटर की है। दोनों समान लंबाई की ट्रेनें थी इसलिए उनकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर की आ जाएगी। बताइए कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, और वो प्रश्न है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए क्या है, दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये हो गई। अब इसमें पहली रेलगाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो धीरे चलने वाली, यही ट्रेन धीरे चल रही है जिसकी स्पीड 20 है, तो धीरे चलने वाली रेलगाड़ी इसमें एक व्यक्ति बैठा है, इस व्यक्ति को पार करती है 5 सेकंड में। कितनी देर में भैया, 5 सेकंड में। तो भैया देखिए कि ये तेज चलने वाली जो ट्रेन है ना, ये व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करने में इसके द्वारा चली गई दूरी अपनी ही लंबाई के बराबर हो जाएगी। बताइए तो दूरी कितनी हो गई, L हो गई, दूरी बराबर चाल। देखिए ये व्यक्ति किस चाल से चल रहा है, ये व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है ट्रेन की जो चाल होगी वही व्यक्ति की चाल हो जाएगी, यानी कि इसकी चाल कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों समान दिशा में चल रहे हैं इसलिए इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 40-20 यानी 20 किलोमीटर पर आवर के। तो हम क्या कर लेंगे, सापेक्ष चाल ले लेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। बताइए ठीक है, और इनको समय कितना लग रहा था, 5 सेकंड लग रहा था, 5 सेकंड लग रहा था, 5 सेकंड। ठीक है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, दो से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, 5 × 25 = 250/9, ये हो जाएगा आपका 250/9 मीटर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 × 2 = 18 के हो जाएगा, 5 × 2 = 7 = 70, 9 × 7 = 63 और 7/9 यानी 27 सही 7/9 मीटर ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी।
27 सही 7 बटे 9 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं, और वो है, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति आवर व 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए, तो एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक, एल मान लेते हैं। ये दो व्यक्तियों को पार कर रही है। एक व्यक्ति जो है, ये मान लीजिए पहला व्यक्ति है, ये किस चाल से चल रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। और इन्हें पार करने में वो क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड लेती है। यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसको वो 9 सेकेंड में पार कर रही है, और दूसरे वाले को ये 10 सेकेंड में पार कर रही है। बताइए, ट्रेन तो एक ही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी? उसकी खुद की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो पहले केस में देखेंगे तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी? चली गई दूरी मतलब दोनों की सापेक्ष चाल, ठीक है, दोनों की सापेक्ष चाल। और वो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? ट्रेन की चाल देखिए क्या दी हुई है, ट्रेन की चाल हमें नहीं दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लेते हैं हम लोग इसको। सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो देखिए, यानी कि जो सापेक्ष चाल आएगी पहले केस के लिए वो हो जाएगी एक्स माइनस 2 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। कितना समय लगा? 9 सेकेंड का समय लगा। बताइए, कोई समस्या नहीं है। अब फिर आ जाते हैं दूसरे केस में, ये हो गई चली गई दूरी पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए चली गई दूरी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एक्स माइनस 4, ये तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, इसको हम क्या कर लेते हैं, 5/18 से गुणा कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। कितना समय लगा? 10 सेकंड का समय लग गया है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों दूरियां तो परस्पर बराबर होंगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 10x-40 बराबर 9x-18 के। बताइए, 9x को इधर भेज दें तो 10 में से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 40 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, और 40 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया? देखिए, 40 में से 10 हटा दो, 30 में से 8 हटा दो, तो 22 आ जाएगा। तो x बराबर 22 का मतलब क्या हुआ? जो ट्रेन की स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर की है। कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर की है। और क्वेश्चन में पूछा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो अब कोई एक सिचुएशन उठा लो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, जो आपका मन करे, ठीक है। तो देखिए, ट्रेन की लंबाई यानी कि चली गई दूरी, व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, अब हम यहां से ले लेते हैं, तो सापेक्ष चाल हमारी कितनी हो जाएगी? 22 और 2 का अंतर, यानी 20 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। पार करने में कितना समय लगा व्यक्ति को? 9 सेकंड का, 9 दुना 18 के और 2 धाम 20 के, यानी एल बराबर 50 मीटर। तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो गई भैया? 50 मीटर की हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग टाइप 3 पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।